हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज के अंदर। स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोजों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाते रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों किसका, तीसरे का डी समझाने जा रहा हूँ, तो बहुत गौर से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लांग विधि से बताया जाएगा और एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी है उसे लिख लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी है, एफ एक्स इक्वल टू मार्ड के अंदर क्वेश्चन दिया गया है एक्स माइनस इसके फाइव। तो इसके सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये मार्ड को देखकर आप डर रहे होंगे कि ये मार्ड लगा हुआ है, इससे डर लग रहा होगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मार्ड आपका कुछ नहीं कर पाएगा, सिंपल सा आपको उसी प्रकार मान लेना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इस कंडीशन से कि यदि आप एफ ऑफ एक्स पार करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट पार करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट पार करेंगे, तब जाकर आप कहेंगे कहीं कि ये संतत है फलन। इसके बाद आपको देखो क्या करना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मानना है एक्स इक्वल टू कोई भी संख्या, मैं मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू, मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू पी है। लेने पर क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू पी लेने पर, जहां क्या कहेंगे, यहां पर जहां p हमारा क्या है दोस्तों, एक वास्तविक संख्या है। क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिंपल सा x के स्थान पर p पुट कर देना है। तो हो क्या जाएगा, f ऑफ x के स्थान पर कितना रखना है, p। इसके बाद हो जाएगा मार्ड के अंदर उसी प्रकार x के स्थान पर हम रख देंगे p और माइनस के फाइव। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं बता देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्या लेंगे, हमने एक कंडीशन चूंकि हमने पार कर दिया इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट पे हमें क्या करना है, सिंपल सा वही काम, लिमिट x टेंड्स टू p लिया था मैंने, तो यहाँ पर p करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये क्यों माइनस लगता है, इसका कहाँ यूज होता है, ये सारा कुछ मैंने इसके पार्ट वन या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बता चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे f ऑफ x, इसके बाद हमारी जो f ऑफ x की वैल्यू होगी उसे लिखेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू p माइनस, इसके बाद ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मार्ड के अंदर एक्स माइनस के फाइव। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस जो लिमिट है इसको चेंज करना है। क्यों चेंज करना होता है, इस लिमिट को इसलिए चेंज करना पड़ेगा आपको कि ऊपर माइनस लगा हुआ है, यदि ये माइनस ना लगा होता तो हम डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई कर देते, परंतु हमें यहाँ पर मानना होगा। तो लिमिट को जो हम चेंज करेंगे तो चेंज ऐसे होती है, एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था पी, तो यहाँ पर हो गया पी, और यदि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस एच, अगर प्लस लगा है तो प्लस एच। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है क्योंकि ये लिमिट चेंज करने का एक फंडा है। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली थी पी, तो पी इक्वल टू पी माइनस के एच, यहाँ से पी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा एच इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो निकाला है तो यहाँ से हम सीधे इसे पुट करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट, एक सब हट जाएगा दोस्तों क्योंकि हमने एक्स को एच पर कन्वर्ट कर दिया, तो हो जाएगा एच टेंज टू, अब कितना निकाला है जीरो, तो यहाँ पर जीरो, अब यहाँ पर उसी प्रकार एक्स माइनस के फाइव। अब दोस्तों हमको करना क्या है वो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो निकाला है p माइनस के h, तो यहाँ पर भी हमें पुट करनी होती है x की वैल्यू p माइनस के एच, और हमारा क्वेश्चन पे क्या था माइनस के फाइव, और उसी प्रकार मैंने मार्ड को बंद कर दिया। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा दोस्तों फिर आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। यहां से आपको लिमिट को खोल देना है, यहां से आपको लिमिट को अप्लाई कर देना है, तो यहां से आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी पी माइनस एच के स्थान पर रखेंगे जीरो और माइनस के फाइव।
इसके बाद हो जाएगा पी माइनस के फाइव, क्योंकि ये जीरो खत्म हो जाएगा तो वो भी मार्ट के अंदर। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो आपस में इक्वल आ चुकी है। अब हम यहाँ देखने वाले हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी वैल्यू देखने वाले हैं यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर हम लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, मैंने कितना माना था पी लिया था मैंने, तो यहाँ पर पी, अब राइट हैंड की बात है तो प्लस, लेफ्ट हैंड में माइनस और राइट हैंड में प्लस, ये लगाते हैं। अब ये क्यों लगाते हैं, इसका जवाब यदि आपको चाहिए तो पार्ट वन को देख लीजिए, वहां पर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे एफ ऑफ एक्स, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी पुट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू पी प्लस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस के फाइव, तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स माइनस के फाइव। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, उसी प्रकार यहाँ पर आप प्लस देख रहे हैं, इसके चलते आपको इस लिमिट को चेंज करना होगा। तो यहाँ से लिमिट जब चेंज करेंगे तो एक्स इक्वल टू पी, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस एच कर लेंगे, माइनस होता तो माइनस एच कर लेते, ये सिंपल सा हमारा फंडा होता है। एक्स इक्वल टू पी लिया था हमने, वही मैंने ले लिया, अब इसी में यदि प्लस एच करते हैं यदि यहाँ पर प्लस होता है, और माइनस एच करते हैं यदि यहाँ पर माइनस होता है। अब एक्स की जो वैल्यू है वो रख देते हैं पी, ये हो जाएगा पी प्लस एच, इधर से पी कैंसिल हो जाएगा और एच इक्वल टू निकल आएगा जीरो। तो यहाँ से एक्स को मैंने एच में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर वही काम करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो मार्ड के अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो है पी प्लस एच, क्या है पी प्लस एच माइनस के फाइव। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक्स की जो वैल्यू है उसे जीरो पुट कर देना है, तो यहां पर हमें करेंगे पी प्लस के एक्स, एच की वैल्यू क्या है जीरो जीरो और माइनस के फाइव। इसके बाद यहां से भी हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी पी माइनस के फाइव, वो भी मार्ड के अंदर, काय की वैल्यू निकल कर आ गई राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो आपने क्या देखा कि एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में जो तीनों वैल्यू है वो बराबर आ गई। तो दोस्तों ये अब जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई पी माइनस के फाइव वो भी मार्ट के अंदर, तो अब आप इसे कह सकते हैं कि यह फलन संतत होगा। यदि सवाल समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।